दोस्त सबाई कम आलो तो सो वेलकम बैक वंस अगेन टू वन मोर ब्लॉग ऑफ कलकत्ता ट्यूब। मैं हूँ शबूज, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आया था कि एक सर्विस सेंटर का ब्लॉग और होना चाहिए, सो मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ और एक सर्विस सेंटर का ब्लॉग लेके आज मैं आया हूँ ऑटोमैनिक मोटो केयर प्राइवेट लिमिटेड पे। ऑटोमैनिक मोटो केयर का लोकेशन है साउथ कोलकाता पे, आईटीसी रॉयल बंगाल होटल का बैंग ऑपोजिट। पूरा का पूरा एड्रेस गूगल मैप मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। इनका दो दो वर्कशॉप है, एक वर्कशॉप पे पूरा का पूरा प्रीमियम गाड़ी का ही काम होता है और जो सेकंड वर्कशॉप है वो डेडिकेटेड है नॉन प्रीमियम गाड़ी के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ प्रीमियम गाड़ी का वर्कशॉप जहाँ काम होता है, उधर जितना सारा टेक्नीशियन है सभी के सभी प्रीमियम गाड़ी के ऊपर ही एक्सपर्टाइज है, मिक्स मैच होने का कोई चांस इधर है नहीं। सो दैट्स द यूएसपी। I have with me both the prop writers, Mr. Aman, Miss Moshumi. थैंक यू फॉर कमिंग हेयर, इट्स अ प्लेजर। ये वर्कशॉप जो है हम लोगों का एक्चुअली ऑटोमैनिक मोटो गियर जो है ये फाउंडेड हुआ है 2023 February, यानी कि कल इसका 2 साल पूरा हो जाएगा। कल हो जाएगा, कल हमारे कंपनी का एनिवर्सरी। वाओ वाओ वाओ, कांग्रेचुलेशन। और इसका प्लानिंग हम लोग 2019 से किए थे। ओके, तो वर्कशॉप यहाँ काफ़ी सारे हैं बट सब एक साथ में मिक्स करके काम करते हैं, तो हम लोग सोचे कि प्रीमियम जो एक स्टेटमेंट होता है राइट, इसका हम लोग सोचते हैं कि अलग से कुछ करते हैं। ओके, और हम लोग चाहते थे कि एक ऐसा कंपनी हो जहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेड गाड़ी को ही अच्छे से देखें, मतलब प्रायोरिटी दे, प्रायोरिटी दे, और नॉर्मल गाड़ी का भी हम लोगों का काम होता है बट हम लोग इम्पोर्टेड गाड़ी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस दिए हैं। बट प्रीमियम कस्टमर्स हैज़ ए माइंड सेट कि ऑथोराइज सर्विस सेंटर छोड़ के जाने से गाड़ी का कुछ इशू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होता है। सो उसमें क्या कॉन्फिडेंस आप देना चाहोगे? इस सेक्टर में हम लोग बहुत पुराने हैं, मतलब इससे पहले हम लोगों का भी सब मिक्स करके काम होता है बट अभी हम लोग क्या किए, प्रीमियम गाड़ी का एक अलग से हम लोग स्टेटमेंट कर दिए हैं। ओहो, माने ये जो 2 साल है, 2 साल प्रीमियम कैटेगरी में आप लोग। हाँ, नॉन प्रीमियम में आपका एग्जिस्टेंस बहुत पहले से ही था, पहले लगभग 8 से 10 साल। ओके, माने काफी एक्सपीरियंस हो। नॉन प्रीमियम में एक्सपीरियंस होने के बाद आप लोग प्रीमियम लॉन्च किए हो जी, परफेक्ट। उसके बाद क्या, प्रीमियम गाड़ी और नॉन प्रीमियम गाड़ी का एक साथ में तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए हम प्रीमियम गाड़ी को टोटली अलग कर दिए ताकि इसको अच्छे से हम काम कर पाए, जहाँ पे सिर्फ प्रीमियम गाड़ी का ही काम होता है, अलग एक सेगमेंट हो चुका है। हाँ हाँ, अलग एक वर्कशॉप हो चुका है। राइट राइट, सो टूल्स मशीनरीज क्या यूज करते हैं यहाँ पे? टूल्स और मशीनरीज जो है आपका, जैसे आप ऑथोराइज सेंटर में आपको जो भी मिलेंगे okay. वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। सो डायग्नोसिस जी, प्रॉपर रेजोल्यूशन, प्रॉपर रेक्टिफाई करना, उसके लिए आपको मशीनरीज जितना डेवलप, जितना अच्छा, जितना ब्रांड के होना चाहिए वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, सब आपके पास है जी जी। ओहो फैंटास्टिक, यही मेन यूएसपी है क्योंकि प्रीमियम गाड़ी में टूल्स एंड मशीनरीज आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि कस्टमर सोचेंगे ना कि ऑथोराइज में जाएंगे तो उनको क्या मिलेंगे right. और यहाँ आएंगे वो वही सेम चीज यहाँ पे देखेंगे exactly. कि यहाँ पे जितने सारे टेक्नीशियन है वो सारे के सारे हम लोगों का एक्सपीरियंस है, फिर आपको स्पेयर पार्ट्स इसमें जो लगते हैं वो सारे ओरिजिनल है, जो आपको ऑथोराइज में मिलेंगे वही सेम चीज आपको पे मिलेंगे। और मेरे ख्याल से जो टेक्नीशियंस भी है प्रीमियम गाड़ी का, नॉन प्रीमियम का अलग अलग है, बिल्कुल अलग। सो जिसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है प्रीमियम गाड़ी में वही इधर है, वही इधर है। हाँ, इसीलिए क्या है, हम लोगों के अभी 2 साल इसका ये स्टेटमेंट हुआ है बट इसमें हम लोगों का बहुत बाहर बाहर से कस्टमर भी विजिट करते हैं, जैसे कि झारखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, सिलीगुड़ी से आते हैं। सिलीगुड़ी का बहुत सारा कस्टमर हम लोगों का है अभी यहाँ, जैसे कि कैसे आते हैं, मतलब जानते कैसे आपके बारे में?
जानते कैसे हैं, जैसे रेफर में आ जाते हैं। मतलब कस्टमर यहाँ काम करके गए हैं। हाँ बिल्कुल, एक कस्टमर काम करके गए हैं तो उनके पास प्राइमर मतलब प्रीमियम गाड़ी है तो वो भी यहाँ रेफर करते हैं। दिस प्रूव्स कि आप लोग अच्छा काम करते हो। हाँ बिल्कुल, और हम लोग यहाँ पे क्या है, आपको पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी भी देते हैं। जैसे कि आपका सिलीगुड़ी में गाड़ी है, आप नहीं आ पाएंगे तो हम यहाँ से बंदा भेजते हैं, कस्टमर हम लोगों के पास गाड़ी देते हैं, हम काम का हर एक डिटेल्स कस्टमर को भेजते हैं विद फोटो विद वीडियो। उसके बाद फिर कस्टमर यहाँ नहीं भी आ पाते हैं तो हम कस्टमर को गाड़ी उनके घर तक पहुँचा देते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। इन फ्यूचर हम लोग और भी बहुत कुछ लाने की प्रोसेस में है, तो अगर हम लोग को फॉलो अप करेंगे, हम लोग का वेबसाइट है www.auto-manning.in, इसमें हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और गूगल्स में भी हम लोग का एड चलते हैं, उसमें भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो जितने जो बेटर सर्विस विद बेटर कॉस्ट, फैंटास्टिक, ये हम प्रोवाइड करने की। कॉस्ट का बात आया तो कितना कम कॉस्ट में हो जाएगा आपको? लगभग 50% कॉस्ट मिल जाएगा, माने जो सर्विस ऑथराइज में मिलते हैं कंपेयर टू ऑथराइज सर्विस सेंटर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो अभी दिखाना है क्या क्या गाड़ी है, रियल लाइव एग्जांपल्स। So boys and girls, we'll be starting the vlog. I have with me Mr. Barkat Ali. Mr. Ali, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। So Mr. Ali आज demonstrate करके दिखाएंगे पूरा का पूरा workshop. Mr. Ali, अभी हम लोग जहाँ पे हैं, इधर मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ premium गाड़ी ही है। जी हाँ। और एक वर्कशॉप है जहाँ पे नॉन प्रीमियम गाड़ी का काम होता है। हम लोग का दो ऑटोमैनिक मोटर केयर प्राइवेट लिमिटेड का दो सेगमेंट है, यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम कार्स का ही काम होता है, और एक सेगमेंट हम लोग का अलग है जो नॉर्मल कार्स, वहाँ जितने भी और कंपनीज की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे काम होती है। सो जितना सारे इंजीनियर्स है, हाँ, सब स्पेशलाइज्ड है प्रीमियम गाड़ी के। यहाँ पे जितने भी लोग मतलब इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, सभी स्पेशलाइज्ड हैं जो कि सिर्फ प्रीमियम गाड़ी का ही काम करता है। मतलब पूरा मशीनरी, पूरा मशीनरी प्रीमियम गाड़ी के लिए ही है। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बॉडीज एक्सीडेंटल वर्क्स एवरीथिंग इज डन हियर। और दिस इज वेरी रेयर दोस्तों, क्योंकि बाकी जगह मैं देख चुका हूँ कि एक छत के नीचे ही प्रीमियम नॉन प्रीमियम सभी का काम होता है। सो पहला गाड़ी मैं देख पा रहा हूँ एक प्रीमियम गाड़ी है, 320D मुझे लग रहा है BMW का। जी है। तो इससे ही शुरुआत करेंगे, क्या इशू है गाड़ी का? इस गाड़ी में कोई इशू नहीं है, ये गाड़ी पेड सर्विस के लिए आया है। इसमें जितने भी पेड सर्विस के काम है वो अभी जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें टोटल मोबिल मोबिल फिल्टर एयर फिल्टर जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं वो चेंज होगा, प्लस फुल गाड़ी का जो है 32 पॉइंट्स का चेकिंग होगा, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल लाइट्स बैटरीज डोर्स विंडोज़ पावर विंडोज़ जितने भी मतलब ये हैं टोटल चेकअप होगा। सो सर्विसिंग भी आपका इधर होता है? हाँ, टोटल सर्विसिंग पे। सर्विसिंग छोड़ के और क्या क्या काम होता है? टोटल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजन पेंटिंग बॉडी मेकिंग बॉडी वर्क्स ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी मतलब ये गाड़ी की काम होती है वो टोटल यहाँ पे होती है। सो गाड़ी रिलेटेड कुछ भी इशू है, कोई भी इशू है वो टोटल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। फैंटास्टिक। तो एक तो ये गाड़ी तो आया है सिर्फ सर्विसिंग के लिए, कुछ और गाड़ी है यहाँ और भी मैकेनिकल इशूज है? एकदम, और भी सब गाड़ी है मेरे पास, आप चलिए मैं एक एक करके सब चीज़ आपको बताता हूँ। एक एक करके गाड़ियाँ देख लेते हैं। सो मिस्टर अली, मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा टीम हाजिर है, राइट? ये पूरा आपका टीम है जी, राइट, जो प्रीमियम गाड़ी का ये काम करते हैं, राइट? तो हाय एवरीवन, हेलो, हेलो। ये है स्कैनर जिससे हम लोग कार डायग्नोसिस करते हैं। ओके। और प्रॉपर डायग्नोसिस अगर नहीं होगा तो रेक्टिफाइड नहीं कर पाएंगे कि गाड़ी क्या प्रॉब्लम है। ये स्कैनर हम यूज करते हैं। ओके। पहले गाड़ी जो आते हैं उसको स्कैन कर लेते हैं। ओके। तो बरकत जी क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सर, इसमें जब तक इस मतलब किसी भी गाड़ी जो भी गाड़ी हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर, पहले इसको स्कैनिंग करते हैं। ओके। स्कैनिंग में जो भी फॉल्ट कोड इसमें आता है, ओके, उसके बाद हम लोग कस्टमर से डिस्कस करते हैं। ओके। तो ये सब गाड़ी आपका फॉल्ट है, इसमें क्या करना है। ओके। जब कस्टमर जिस हिसाब से बोलते हैं मतलब उनको बता देने के बाद अगर वो बोलते हैं सो ठीक है आप ये काम कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर इसको
काम इसमें स्टार्ट करता है। वाओ फैंटास्टिक, तो टोटल डायग्नोसिस इससे ही हो जाता है। जी हाँ, इससे टोटल डायग्नोसिस इससे हो जाता है। इसमें से कार अगर अपडेट हम लोग काम करने के बाद अपडेट भी करते हैं इससे, जैसे सभी बहुत से गाड़ी में होती है, जैसे कि सर्विस हो गया, गाड़ी का मोबिल अगर हो गया, मतलब गाड़ी में डाल दिया, उसको अपडेट करना है तो अपडेट करना पड़ता है, ठीक है ना, वो गाड़ी में करके देना पड़ता है ताकि वो नेक्स्ट सर्विस में उसको मतलब करवाने के लिए आसानी हो। वाओ फैंटास्टिक। सो बरकत जी, ये क्या है मशीन? ये मशीन सर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड जो हम लोग गाड़ी के अंदर में डालते हैं उसके लिए स्पेशल टूल्स है। क्या काम आता है इसमें? इससे हम लोग मतलब जो भी एटीएम मतलब जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड जो गाड़ी में रहती है जब हम लोग उसको निकालते हैं तो इससे ही हम लोगों को फिलअप करना पड़ता है। एंड दिस इज ए वेरी स्पेशल टूल, ये सब जगह मिलती नहीं है, मैं कहीं पे देखा नहीं कोई। हाँ, ये जल्दी मिलती नहीं है, ये हम लोग स्पेशली मंगाए हैं जस्ट फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड चेंज करने के। सो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। सो मुझे जो समझ में आ रहा है, जो जो मशीनरी चाहिए एक प्रीमियम गाड़ी का सर्विसिंग के लिए, सभी कुछ आप लोग रखे हो? जी हाँ, जी हाँ सर, रखे हुए हैं एवरीथिंग। ये जो आ रहा है ना, हाँ, दिस इज द ट्रांसमिशन फ्लूइड गोइंग इनसाइड दैट। या अंदर। ओके, सो लाइव डेमो व्यूअर्स, वी आर शोइंग यू। तो ये क्या है एग्जैक्टली? ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक बैटरी चार्जर है, ऑटोमेटिक। जितनी भी गाड़ी की अगर कोई बैटरी होता है तो हम लोग बाहर में चार्ज नहीं करवाते हैं, ये टोटल हम लोग अपने ही करते हैं। ओके, एंड दिस इज ऑटोमेटिक। जब एक गाड़ी की बैटरी अगर चार्ज हो जाती है तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है। वाओ, सो हैंडी है। जी हाँ, फैंटास्टिक। ऑडी A6 राइट? जी हाँ। इसका क्या इशू है? इसका इशूज है पूरा एयर सस्पेंशन का, इसका काम हो रहा है। ओके, प्लस एसी का काम हो रहा है। देखिए एसी का मशीन हम लोगों का ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये क्या है एसी का? जी हाँ, एसी का ऑटोमेटिक मशीन है जिससे पूरा टोटल एसी का जो है वो चेकअप हो जाता है। ओके, हम लोग इससे गैस मतलब डाल भी सकते हैं और इनहेल भी कर सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं इसमें। ओके ओके, तो ईच एंड एवरीथिंग इज डन मतलब उस मशीन से ही होता है। प्लस आप सस्पेंशन का काम देख रहे हैं, टोटल खुला हुआ है, एयर सस्पेंशन का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें मैं टोटल अभी सामान जो है वो ऑर्डर कर चुका हूँ लाने के लिए, नहीं लगनी है। So, जो स्पेयर पार्ट्स होता है, ओके, ओरिजिनल यूज होता है या मार्केट? टोटल पार्ट्स जो है ओरिजिनल यूज होता है और वो ब्रांडेड हम लोग का जब आता है तो उसमें ब्रांड के साथ आता है। ओके, ठीक है ना, वो हर चीज हम लोग फोटो शेयर भी करते हैं, फोटो शेयर भी करते हैं कस्टमर से। सील पैक होता है राइट? जी हाँ, सील पैक होता है और हम लोग कस्टमर से फोटो शेयर भी करते हैं जो पार्ट्स हम लोग लगाते हैं। ओके, वीडियो करके हम लोग कस्टमर को मतलब भेजते भी है ना। फुल जेन्युइन पार्ट्स। फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चले जाएंगे फिर? नेक्स्ट गाड़ी आप यहाँ पे आ जाइए। ये एक इंजन मतलब ये गाड़ी वाटर लॉक्ड हो गया था, इंजन इसका सीज हो गया था। ओके, ठीक है ना, इंजन का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ओके, ये BMW 525D है। ओके, इसका पूरा इंजन का काम कंप्लीट है, अब हम लोग इसको गाड़ी में मतलब फिटिंग करना बाकी है। सो इंजन का पूरा काम भी होता है? जी हाँ, इंजन का। सो दिस इज अ रियल प्रूफ? यस यस, रियल प्रूफ, दिस इज 6-सिलेंडर इंजन, ठीक है ना। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज अ रियल प्रूफ। यू कैन सी BMW जैसा गाड़ी का इंजन का फुल काम होता है। सो इंजन का काम में काफ़ी एक्सपर्टाइज चाहिए, ऐसा सब जगह नहीं हो सकता है, वो भी BMW का। सो दिस इज़ अ रियल प्रूफ। सो नेक्स्ट एक BMW X1 गाड़ी है। ये भी गाड़ी X1 के जी सामने। हाँ, ये पेट्रोल गाड़ी है। ओके, ये भी गाड़ी वाटर लॉक्ड हो गया था जिसके वजह से इसका जो वायरिंग है, ओके, वो वायरिंग पूरा खराब हो गया था, प्लस इसका जो ECM इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लस ECM जो होता है वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ये होता है वो टोटल इनका ECM डैमेज हो गया। ऊपर ही तो पूरा गाड़ी बेस है, ECM भी इनका डैमेज हो गया था, ये टोटल हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। ECM एक बार ब्रेकडाउन हो जाने से पूरा का पूरा मैलफंक्शन शुरू हो जाता है, मैलफंक्शन बंद हो जाता है इसका, ठीक है ना। हम लोग अभी उसका कोशिश कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिपेयर कर रहे हैं। तो कितना दिन हुआ है ये गाड़ी आया है? ये गाड़ी आते हुए 1 सप्ताह हुआ है। सो कितना टाइम लगेगा? टू थ्री डेज मैक्सिमम, माने ओवरऑल 10 दिन के अंदर हो जाता है। जी हाँ, हो जाता है। फैंटास्टिक। तो इसके बाद एक काफी सारा गाड़ी में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर BMW, ये भी BMW है, ठीक है ना। इसका पूरा फुल सस्पेंशन आगे और पीछे टोटल काम हो रहा है, साम पीछे भी काम हो रहा है, आगे भी काम हो रहा है, प्लस इसका जो सीट है इलेक्ट्रॉनिक सीट वो भी ख़राब है, उसका भी काम हो रहा है। ओके, तो ये जितना सारा काम है, काफ़ी सारा काम है जो मुझे समझ में आया,
कितना दिन लगेगा ये सर? मैक्सिमम टू डेज, दो दिन में हो जाएगा जी हाँ। परफेक्ट, प्लस सीट के लिए हमको दो दिन और चाहिए, टोटल फोर डेज। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये सिक्स, ये दार्जिलिंग से आई हुई है। क्या बात कर रहे हैं जी हाँ, ये गाड़ी दार्जिलिंग से आई हुई है। ये दार्जिलिंग से आया है जी हाँ, ये गाड़ी दार्जिलिंग से आई है। ओहो, सो पूरा वेस्ट बंगाल से आता है जी? हाँ जी हाँ सर, बहुत वेस्ट बंगाल से, बहुत जगह से गाड़ी आती है। ओके फैंटास्टिक। तो अभी एक ऑडी, ये ऑडी Q7 है ठीक है ना, इसका भी वायरिंग का प्रॉब्लम है। ओके ये गाड़ी दो तीन दिन हुआ है आया हुआ है। ओके ठीक है ना, इसको हम लोग अभी चेकअप कर रहे हैं। ओके फिर भी विदिन टू थ्री डेज हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो अभी क्या लैंड रोवर का कौन सा है? डिस्कवरी नहीं, ये लैंड रेंज रोवर है। रेंज रोवर है जी हाँ। इवोक? हाँ। ओके स्पोर्ट्स है, सॉरी स्पोर्ट्स है जी हाँ। ओके इस गाड़ी का भी टोटल सस्पेंशन का काम हो रहा है, आप देख रहे हैं सामने में पूरा सामान खुला हुआ है। ओके पीछे का भी इनका टोटल सस्पेंशन का काम हो रहा है। ओके ये गाड़ी आए हुए हुए मतलब तीन दिन के लगभग हुई है। ओके विद इन टू डेज इसको हमको कंप्लीट करना है। ओके सो टोटल पाँच दिन के अंदर? जी हाँ। परफेक्ट। सो डियर व्यूअर्स, आप लोग देख पा रहे हो फुल प्रूफ के साथ आपके सामने हर एक गाड़ी खुला हुआ है, जो जो काम हो रहा है अभी में भी एक गाड़ी है। सो वी आर ट्राइंग टू शोकेस दोस। सो फाइनली मर्सिडीज मार्क 220 है ना? जी हाँ। ओके क्या इशू क्या है इसमें? सस्पेंशन का पूरा काम है। सस्पेंशन का जी, हम लोग सामने का खोल चुके हैं, पीछे का खोलना भी है, अब प्लस इसमें एक्सीडेंट क्लेम भी है। ओके जी हाँ, इंश्योरेंस कवर किया हुआ है, वहाँ से अभी तक हम लोग को अप्रूवल अभी मिला नहीं है हाथ नहीं, वहाँ से जब तक मतलब परमिशन नहीं मिलेगा इंश्योरेंस का, तब तक हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते। ओके ये हमारा पेंट बूथ है। ओके ये अभी हम खोल रहे हैं, ये सब जो भी गाड़ी कवर्ड है जी हाँ, ये कवर्ड है। मैं गेट खोलता हूँ, जितनी भी गाड़ी जो पेंटिंग होती है ओके वो सब इसके अंदर में ही होती है। अभी फिलहाल मेरे पास गाड़ी है लेकिन अभी मैं अंदर नहीं किया हूँ। ओके ठीक है ना, ये टोटल मेरा स्पेस है, यहाँ पे टोटल लाइट्स वगैरह लगी हुई है। ओके मतलब इसको हम लोग ये करते हैं, जो टोटल जो भी गाड़ी प्रीमियम क्लास की होती है पेंट हम लोग इनसाइड में मतलब बाहर में नहीं करते हैं। ओके मैंने काफ़ी स्पेशियस है मैं जी हाँ सर। सो दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने बोला था कि इनके इधर प्रीमियम और नॉन प्रीमियम गाड़ी का अलग अलग वर्कशॉप है। अभी तक आपको मैं प्रीमियम गाड़ी का वर्कशॉप दिखाया पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके, अभी आ चुके हैं नॉन प्रीमियम गाड़ी का वर्कशॉप। दोनों वर्कशॉप ही 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो ये है नॉन प्रीमियम गाड़ी का वर्कशॉप। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अंदर, आप देख सकते हो नॉन प्रीमियम नॉर्मल गाड़ी इधर काम चालू है। सो सब कुछ हो रहा है इधर, सेम चीज़ बॉडी वर्क, इंजन का काम, डेंटिंग पेंटिंग, एवरीथिंग आई कैन सी। सो ऑल काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क्स, डेंटिंग पेंटिंग, एवरीथिंग, नॉर्मल सर्विसिंग, सब कुछ हो जाएगा इधर भी, आप देख पा रहे हो। सो अभी आ चुके हैं पेंट बूथ के अंदर, देख पा रहे कि एक गाड़ी का पेंटिंग का काम अभी चालू है, जैसे कि आप देख पा रहे पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है महिंद्रा का साइलो। सो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर घोष, हु इज द मैनेजर। सो मिस्टर घोष? यस सर। सो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारा गाड़ियाँ इधर है, नॉन प्रीमियम गाड़ियाँ, तो क्या क्या सर्विस इधर आप देते हो? हम लोग पूरा पेट सर्विस से लेकर डेंटिंग पेंटिंग से लेकर पूरा गाड़ी का मैकेनिकल वर्क्स सारे काम हम लोग को A to Z गाड़ी का जो काम होता है सब कुछ हम लोग करते हैं। सो एवरीथिंग? एवरीथिंग। फैंटास्टिक। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस साइड में आने के लिए। हाँ सर। ये गाड़ी का क्या इश्यूज है? ये गाड़ी का है एक्सीडेंट करके लेके आया। ओके। इसको हेडलाइट टूट गया, बम्पर टूट गया, इसको हम लोग पूरा काफी डैमेज हुआ था, पूरा
रेक्टिफिकेशन क्या क्या किए हो आप? रेक्टिफिकेशन है हम इसका, ये जो ये है ना पूरा दाब गया था, ओके, इसका दाबने के बाद ये लोग हम लोग डेंटिंग से ठीक किया, ओके, फिर ये जो है इधर का हेडलाइट जो है पूरा टूट गया, ओके, इसको नया हम लोग लगा देंगे पूरा, और इसका जो बम्पर है बम्पर भी टूट गया, उसको नया बम्पर लगा के पेंट करके हम लोग इनको छोड़ देंगे। और कितना दिन का काम बाकी है? और 2 दिन का काम बाकी है। 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कितना दिन पहले आया होगा गाड़ी? 3 दिन पहले आया था। माने 5 से 6 दिन में हो जाएगा? 5 से 6 दिन में आ गया, क्यों हमारा जो हेडलाइट मेजर एक्सीडेंट हुआ था, फिर मेजर एक्सीडेंट जो हेडलाइट है इसका बाजार में मिल रहा नहीं था, इसलिए हम हेडलाइट के लिए पूरा काम रुक गया था। और स्पेयर पार्ट्स जो है जेन्युइन ऑथराइज्ड? जेन्युइन ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकलिफिकेशन का काम इलेक्ट्रिकल। सो दोस्तों आप जैसे कि हम लोग आपको एक्सीडेंटल एक दिखाए अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, ओके, मशीनरीज आपके पास है डायग्नोसिस करने का? एकदम हमारा पास लॉन्च का पूरा मशीन ये है, सब कुछ है। तो इस साइड में आ जाइए थोड़ा। ये गाड़ी का तो कुछ है ही नहीं सामने? नहीं, ये गाड़ी का नहीं है, ये गाड़ी का पूरा इंजन बन रहा है, ओके, हम लोग इंजन भी बना था, इंजन का प्रॉब्लम था, और अभी यहाँ पर देखिए हम लोग हमारा मैकेनिक्स बैठ कर कर रहा था, इंजन बन रहा है इसका, इंजन जो है ये हम लोग बना रहा है, हमारा जो मैकेनिक्स है वो इसको कंप्लीट कर रहा है। तो फुल इंजन का काम इधर हो रहा है? हाँ, इंजन का काम हो रहा है। सो मिस्टर घोष, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो बॉयज एंड गर्ल्स, डियर व्यूअर्स, कैसा लगा ब्लॉग? एक्साइटिंग राइट, इन्फॉर्मेटिव राइट, यस, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा शूट करने में। मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि एक ही छत के नीचे प्रीमियम वर्कशॉप अलग है, नॉन प्रीमियम वर्कशॉप अलग है। सो दोनों वर्कशॉप में कैसे कैसे काम होता है, जो जो गाड़ियाँ हैं, सब कुछ मैंने कोशिश किया डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊं। पूरा का पूरा मशीनरीज इक्विपमेंट सब कुछ है डायग्नोसिस करने के लिए। सो दोस्तों पूरा का पूरा एड्रेस मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा, नीचे तो जा ही रहा है। सो कोई भी कंफ्यूजन है, मेरा सजेशन होगा आप एक बार सर्विस सेंटर को डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, कोई भी आपका क्वेरीज है आई एम श्योर रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था आज के लिए ब्लॉग, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं और एक ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।